आखिर सना भाभी ने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि भाभी मुझे कभी धोखा देंगी। शायद उनकी कोई मजबूरी होगी। कैसी मजबूरी? क्या मजबूरी? उन्होंने आज तक हम सबसे झूठ बोला है, हम सबसे छुपाया कि उनकी कोई जुड़वा बहन भी थी। घर में इतने लोगों की मौत हुई लेकिन वो खामोश रही, कुछ नहीं बोली। और अब जब मेरी आशु की मौत है तब भी उन्होंने मुझसे सच्चाई छुपाई। वक्त, मौसम और लोग, सबकी एक फितरत होती है। कौन कब कहां बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। बस यही दुआ है कि आरजू के और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उस सबके जिम्मेदार भाभी ना निकले। आमीन। ये घर मुझे वही लग रहा है, इसका एड्रेस अहमद चाचा ने दिया था। हाँ, लग तो वही रहा है, लेकिन इसे देख के ऐसा लग रहा है कि कई अरसे से यहाँ कोई नहीं रहता है। अंदर चल के देखते हैं। रुहेल शहरियार को क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों था? रुहेल, मैं आपसे बात कर रही हूँ, शहरियार को क्या हुआ? क्या क्या मुझसे छुपाओगी सना? क्या मतलब? यही कि शहरियार सारी हकीकत जान चुका है। कैसी हकीकत? तुम वाकई कुछ नहीं जानती या फिर जानबूझ के मुझसे छुपा रही हो? रुहेल प्लीज बताएं मुझे कैसी हकीकत, क्या सच्चाई? मैं परेशान हो रही हूँ। यही कि तुम और हिना शहरियार के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। तो इसमें ऐसी क्या बात है? ऐसी क्या बात है? तुमने इतनी अहम बात हमसे छुपाई, क्या तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है ये? मैंने जरूरी नहीं समझा, और इसका हिना की मौत से क्या ताल्लुक? बस इसीलिए नहीं बताया। बस कर दो सना, कब तक तुम उससे झूठ बोलोगी? वो तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर के पास गया है जब वो यहाँ पढ़ता था। रुहेल आप जानते हैं मैं कितना डरी हुई थी, मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, बस इसीलिए नहीं बताया कि यहाँ मेरा कोई जानने वाला। इसलिए तुमने हमसे झूठ बोला? अगर रहमत चाचा ना बताते तो? रहमत चाचा? रुहेल आप जानते हैं मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, और मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब थी कि प्रोफेसर शफकत के बारे में बताना ही भूल गई। और रही बात शहरियार की हमारे साथ कॉलेज में पढ़ने की, तो महज इत्तफाक था। इत्तफाक सना? इत्तफाक? तुम्हें पता है कि शहरियार कितना परेशान है और उसे तुम पर शक है। शक? लेकिन क्यों? ये तुम पूछ रहे हो क्यों? ये तुम पूछ रहे हो सना? तुम जानती हो सना के शहरियार के साथ क्या हुआ? क्या उसे यकीन रहेगा क्योंकि तुमने हमसे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई है? क्या कोई भी तुम पर एतबार करेगा क्या? रुहेल आप तो मुझ पर एतबार करते हैं या नहीं? सना मुझे तुम पर एतबार है, लेकिन ये जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। मैं जानती हूं, एक बात कहूं, कहो क्या बात है? वापस चले? अभी कल तक तो तुम वापस नहीं जाना चाहती थी। हाँ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे वापस जाना है। प्लीज प्लीज रुहेल मुझे वापस ले चले। और शहरयार? वो भी घर वापस आ जाएगा, मैं उसे सब समझा दूंगी, लेकिन इस वक्त रुहेल मुझे प्लीज यहां से ले चले। शहरयार को बताए बगैर कैसे जा सकते हैं?
और जो पहले रास्ते में हमारे साथ हुआ, हम कैसे वापस जा सकते हैं? तो आप क्या चाहते हैं, मैं यहां मर जाऊं? कैसी बातें कर रही हो तुम, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रोहिल, ये सब वही कर रही है। मैं जानती हूँ वो शहरयार को मेरे खिलाफ उकसा रही है, वो मुझे मार डालेगी। रोहिल प्लीज मुझे यहाँ से ले चले। अच्छा ठीक है, चलते हैं यहाँ से, लेकिन पहले मैं शहरयार को बता दूँ। मैंने कहा ना वो मेरी बात समझ आएगा। प्लीज रोहिल मुझे यहाँ से ले चले। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि शहरयार को फोन कर देता हूँ। नहीं, वो तो इस वक्त प्रोफेसर शफकत के पास है ना। तो क्या हुआ? वो रोहिल, मैंने आपको बताया नहीं, बाबा का और प्रोफेसर शफकत का झगड़ा चल रहा था। वो हमें अच्छा नहीं समझते थे और मैं जानती हूँ वो जरूर शहरयार को मेरे खिलाफ ही कुछ कहेंगे। फिर तो मैं शहरयार के पास जाना चाहिए और प्रोफेसर साहब के सामने जाके सारी बात क्लियर करनी चाहिए, ताकि कोई गलतफहमी पैदा ना हो। मैं जानती हूँ रोहिल, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ अगर मैं कुछ देर और यहाँ रुकी ना तो वो मुझे मार डालेगी। आखिर वो चाहती क्या है? अगर तुमने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा तो फिर वो तुम्हें क्यों मारना चाहती है? वो मुझसे बदला लेना चाहती है। बदला? कैसा बदला? मैंने उसे मरने दिया ना, अगर मैं वक्त पर उसे बोन मैरो दे देती तो शायद बच जाती। ये तो इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी और सेहत सबसे पहले है। रोहिल, इस वक्त आप उसे नहीं समझा सकते। ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं खुद चली जाऊंगी। सना, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। थैंक यू रोहिल, मुझे समझने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। मैं अभी पैकिंग करती हूँ, फिर हम निकलते हैं। क्या सना सच बोल रही है? अगर ये सच है तो फिर मेरा दिल मुतमइन क्यों नहीं है? वैसे भी सना क्यों झूठ बोलेगी? मैंने उसका दिल तोड़ा है और अब मुझे इस हाल में उसका साथ देना होगा। जो भी हो, सना को कुछ नहीं होने दूंगा और शहरयार को हम मिलकर समझा लेंगे। हमें सना और हिना के बारे में आपसे बात करनी है कि वो कैसे मरी, क्या आप जानते हैं? आप बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे लगता है ये बोल नहीं सकते और शायद सुन भी नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आकर कुछ ऐसा करें कि भाभी हमें सब कुछ सच सच बता दें। इसके लिए हिप्नोटाइज करना पड़ेगा और उसमें काफी रिस्क है। सर, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं, हम क्या करें? सर, हमें रहमत चाचा ने आपके पास भेजा है। हमें सना और हिना के बारे में आपसे बात करनी है। क्या आप हिना के बारे में कुछ बता सकते हैं? कि वो कैसे मरी, क्या आप जानते हैं? सर, आप बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे लगता है ये बोल नहीं सकते और शायद सुन भी नहीं सकते। तो अब हम क्या करें? क्या करें, इसका मतलब ये राज राज रहेगा। मेरे ख्याल से मैं चलना चाहिए। हिना और सना मेरी शागिर्दी नहीं बल्कि मेरी भतीजियां भी थी। भतीजियां? हाँ, लेकिन भाभी ने तो कहा था कि उनका यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं। वो झूठ बोल रही है। आप जानते हैं कि हिना की मौत कैसे हुई? नहीं,
क्योंकि मैं यहाँ नहीं था तब मेरी भाई की मौत भी हिना के सदमे की वजह से हुई। चाचा यहाँ मौजूद है और हमें पता तक नहीं। बस बहुत हो गया, आज मुझे भाभी से सच्चाई जाननी है। वो सच नहीं बताएंगे। उन्हें बताना होगा। देखो शहरिया, तुमने कितनी बार कोशिश कर ली है लेकिन वो हर बार झूठ बोल देती हैं। तो तुम क्या चाहती हो, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं? मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा मतलब था। क्या था तुम्हारा मतलब? तुम रिलैक्स होके मेरी बात सुनो, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। तो क्या करूं मैं, मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं आखिर सना भाभी ये सब क्यों छुपा रही है मुझसे, आखिर क्या राज है? मैं जानती हूँ सना सच नहीं बोलेगी, जब आज तक उसने सच नहीं बोला तो अब भी नहीं बोलेंगी। तो क्या करूं मैं? कुछ ऐसा करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। देखो हादिया, मुझे ये बातें समझ नहीं आती। मैं आज भाभी से दो टोक बात कर करूंगा और तुम मुझे रोकोगी नहीं। ठीक है, नहीं रोकूंगी, चलें। अच्छा, तो यहां से फरार होने की तैयारी है? ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? किस तरह बात कर रहा हूं मैं, आप तो सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी इनका साथ दे रहे हैं। शहरयार, तुम कहना क्या चाहते हो? आप अभी भी समझी नहीं है, समझना चाहती ही नहीं। आपने तो मुझसे कहा था कि जो पूछना है पूछ लो, और आप पूछे बगैर बताए बगैर यहां से जाने की तैयारी कर रही है, भागने की तैयारी कर रही है। शहरयार, तुम गलत समझ रहे हो। तुम क्या चाहते हो, मैं यही मर जाऊं उसके हाथों? बड़ा खौफ है मौत का, और मेरी आरजू की मौत जो आपकी वजह से हुई तब ख्याल नहीं आया आपको, लेकिन आपको कैसे किसी का ख्याल आ सकता है? आप जैसे लोग तो सिर्फ अपने बारे में सोचते। मैंने सारी जिंदगी आप पे भरोसा किया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आप जैसे लोग कभी किसी के भरोसे के लायक ही नहीं होते। बस यार, बस, अगर मैं खामोशी से तुम्हारी बात सुना इसका यह मतलब नहीं है कि तुम सना से इस तरह बात करो। अच्छा, तो आज आपकी मोहब्बत जाग गई, अभी कुछ दिनों पहले तो आप दूसरी शादी के चक्कर में थे। शहरयार, इतना जहर किसने भर दिया तुम्हारे दिल में? शायद मैं जानती हूं, मैं तुम्हें छोड़। बस बस भाभी, बस अपना इल्जाम दूसरा पर थोपना बंद करें। आखिर मैंने ऐसे किया ही क्या है? मैं जानती हूँ तुम मेरे टीचर से मिलने गए थे, ना तो वो बोल सकते हैं ना चल सकते हैं। क्या बताती मैं तुम्हें और वो क्या बता देते तुम्हें? वो बोल भी सकते हैं और हमें बता चुके हैं कि वो सिर्फ आपका टीचर ही नहीं, आपके चचा भी हैं। चचा? हाँ चचा, पूछे इनसे कि आखिर क्या छुपा रही है हमसे और क्यों छुपा रही है।
सना मेरी बात, सना दरवाजा खोलो। मिल गया तुम्हें सुकून, हाँ मिल गया सुकून तुम्हें। आप तो ऐसे कह रहे हैं, सबका कसूरवार मैं हूँ। अगर सना ने कुछ कर लिया ना तो कुछ नहीं करेंगी वो। अरे तुम्हें कैसे यकीन है वो कुछ नहीं करेगी? झूठे लोग इतनी आसानी से अपनी जान नहीं देते, उनके लिए दूसरों की जान लेना आसान होता है, जान देना बहुत मुश्किल। तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? ये वही सना भाभी है तुम्हारी जिसकी तुम बहुत इज्जत करते थे। जिंदगी में कोई रिश्ता, कोई खुशी, कोई जज्बा मुस्तकिल नहीं रहता। हमारा रवैया, हमारा सलूक कभी उन्हें हमारे नजदीक ले आता और कभी आहिस्ता आहिस्ता बहुत दूर ले जाता है। ये वक्त बहस का नहीं है, हमें प्रोफेसर साहब को बुलाना चाहिए। अरे वो क्या करेगा? आप क्यों भूल गए, पहले भी उन्होंने सना को बेहतर किया था। हो सकता है कि अभी वो हमारी कुछ मदद कर सके। तुम ठीक कह रही हो आतिया, लेकिन मुझे उस शख्स पे भरोसा नहीं है। भरोसा? सही लोगों की पहचान करना सीखे भाई। जिन लोगों पर भरोसा करना चाहिए उन पर आपने कभी किया नहीं, और जो लोग इस काबिल हैं उन पर पूरी जिंदगी लगा दी। अच्छा, अगर हम इतने बुरे लगते हैं ना तो जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। चला जाता, लेकिन जब तक मैं इस राज से पर्दा ना उठा लूं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हेलो सर, मैं शहरयार। हाँ शहरयार, कैसे हो? सर आप अभी यहाँ आ सकते हैं? हाँ हाँ, लेकिन क्या बात है, सब खैरियत है ना? सर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आकर कुछ ऐसा करें कि भाभी हमें सब कुछ सच सच बता दें। इसके लिए हिप्नोटाइज करना पड़ेगा और उसमें काफ़ी रिस्क है। सर अब हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं, हम क्या करें? चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर बात करते हैं। सर मैं आपका वेट कर रहा हूँ। थैंक यू। आखिर मैंने ऐसे किया ही क्या? मैं जानती हूँ तुम मेरे टीचर से मिलने गए थे, ना तो वो बोल सकते हैं ना चल सकते हैं। क्या बताती मैं तुम्हें और वो क्या बता देते तुम्हें? हिना ओसना मेरी शागिर्दी नहीं बल्कि मेरी भतीजियां भी थी। भतीजियां? हाँ, लेकिन भाभी ने तो कहा था कि उनका यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं। वो झूठ बोल रही है। सना तुम रो रही हो? रो नहीं तो क्या करूं, जब मेरे अपने ही मुझे शक की निगाह से देखेंगे। कोई मुझ पर एतबार नहीं करा, सब बदल गए। शहरयार, रोहेल, कोई नहीं बदला, सब तुमसे मोहब्बत करते हैं, बस तुम्हारी फिक्र है। नहीं हादिया, बदले हुए मिजाज ही हमें एहसास दिलाते हैं, वरना हमें कहां पता चलता है जिंदगी कितनी मुश्किल है। तुम परेशान मत हो, वक्त की आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। तुम बस खुद पर और अपने प्यारों पर एतबार करना सीखो, तुम्हारा दुख आधा रह जाएगा। हादिया, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर देना। नहीं, मैं भी तुम्हारी जगह होती तो ऐसे ही करती, तुम्हारी कोई गलती नहीं।
हादिया, क्या तुम्हें भी लगता है जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ? शहरयार की जिंदगी में उस सब की जिम्मेदार मैं हूं। तुम खुद को जिम्मेदार क्यों समझ रही हो? तो शहरयार मुझ पे गुस्सा क्यों हुआ जैसे मैं ही गुनहगार हूं? तुम्हें पता तो है वो गुस्से में था, उसका मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। तुम ही बताओ, उसे हर रोज एक नई बात पता लगती है। उसका गुस्सा फितरी था। शायद ठीक कह रही हो तुम। वो सना, शहरिया ने प्रोफेसर साहब को बुलाया है। क्यों? वो तुम्हें हिप्नोटाइज करेंगे। अच्छा, तो पता चला ये तुम्हारी मीठी मीठी बातें सिर्फ इसलिए थी ना? नहीं, तुम गलत समझ रही हो सना। मैं सब समझती हूँ, मैं अच्छी तरह जान गई हूँ तुम्हें। जाओ यहाँ से। सना, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। सना, सना तुम जाग रही हो? सना तुम जाग रही हो? सना, सर ये क्या हो रहा है भाभी को? सर ये भाभी को क्या हो रहा है? मैं नहीं जानता। जब भी किसी ने भाभी की हकीकत बतानी चाहिए, वो मर गया या उसे मार दिया गया। तो तुम ये कहना चाहते हो कि शाह साहब का और अहमद चाचा का कत्ल सना ने किया? प्रोफेसर साहब, हिप्नोटाइज करने से सन्ना को कोई खतरा तो नहीं होगा? राहिल साहब, दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जिसमें खतरा नहीं होता? लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं यहाँ हूँ। और सन्ना, आप भी परेशान मत हो। अब हम शुरू करें। शहरयार, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूं ताकि तुम्हें मुझ पे कोई शक ना रहे। अब आप इस लॉकेट को देखेंगी और जो मैं कहूंगा वही करेंगी। सना, तुम सो रही हो, तुम्हें नींद आ रही है, तो
तुम सो चुकी हो। कहाँ हो सना? मैं अपने घर में हूं। क्या कर रही हो? मैं और हिना, हम दोनों बाबा से बातें कर रहे। तुम परेशान क्यों? वो हिना मुझसे नाराज है। क्यों नाराज है वो तुमसे? वो ना मुझसे बात करी है ना बाबा से, वो बस रो रही है। सना, तुम अब कहाँ हो? देखिए इसकी हालत ठीक नहीं है, इसे वापस बुलाएं। मैं कह रहा हूं इसे वापस बुलाएं प्रोफेसर, प्लीज। सना, सना तुम जाग रही हो? सना तुम जाग रही हो? सना, सर ये क्या हो रहा है भाभी को? सर ये भाभी को क्या हो रहा है? मैं नहीं जानता। तुम नहीं जानते? शरीर, मैंने कहा था ना कि ये ढोंगी है प्रोफेसर, अगर मेरी सना को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्लीज आप लोग चुप कर जाएं। आपको नजर नहीं आ रहा सना की हालत क्या हो रही है? सना जाग जाओ, सना मेरी आवाज सुन रहे हो? सना, सना ये सना तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देगी, ये झूठ बोलेगी, बस झूठ। तुम्हारे सब सवालों का जवाब मेरे पास है शहजाद, सिर्फ मेरे पास। कभी सच नहीं बोली। ये सना, ये मेरी सना को क्या हुआ है? क्या हुआ तुम्हें सना? ये अब ठीक है गुरु, सना के जिस्म में नहीं है, अब ये खतरे से बाहर है। शुक्रिया प्रोफेसर, शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? तुमने सना की हालत देखी है और तुम इनका शुक्रिया अदा कर रहे हो? भाई आप अभी गुस्से में, हम बाद में बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। तुम क्या जानना चाहते हो हा? और जानकर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम्हारी आरजू वापस आ जाएगी? तो क्या आपके लिए सच्चाई जानना जरूरी नहीं है? नहीं, मेरे लिए कोई जानना जरूरी नहीं है, मुझे सिर्फ सना की जिंदगी चाहिए। लेकिन मुझे हर कीमत पर सच जानना है और उसके लिए मैं कुछ भी कुर्बान कर दूंगा। वहील साहब, शरियार ठीक कह रहा है, ये उसका हक बनता है और आपका फर्ज बनता है। ये आपका भाई है और इस मुश्किल में आपको इसका साथ देना चाहिए। अच्छा शहरयार, मैं चलता हूं। सर रात बहुत हो गई, मैं आपको छोड़ आता हूं। नहीं, मैं चला जाऊंगा। सना उठो। क्या हुआ मुझे? आप लोगों को सच पता चल गया? तुम सारी बातें छोड़ो, कुछ नहीं। अब हादिया, तुम एक काम करो, इसको पानी ला दो, बल्कि जाओ रहमत चाचा से बोलो जूस ला दें उनको।
शहरयार तुम अब भी मुझसे नाराज हो? तुमने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया। नहीं भाभी, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा। मैंने पूरे घर में देख लिया, रहमे चाचा कहीं पर भी नहीं है। क्या मतलब कहीं नहीं है? वो भला कहां जा सकते हैं इस वक्त, वो भी बताए बगैर? जरूरी काम से गए होंगे, क्या हो गया? इसमें कौन आ सकता है? मैं देख लूं। नहीं नहीं भाई, आपके मैं देख। बेटी को, बेटी को क्या हुआ? कौन था? पुलिस। पुलिस? सब खैरियत तो है ना? उन्हें कोई डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी? किसकी? जो हुलिया वो बता रहे हैं उससे तो लग रहा है कि रहमे चाचा। नहीं नहीं, रहमे चाचा को कोई क्यों मारेगा? कि मैं नहीं जानता। कहां जा रहे हो? पुलिस के साथ जा रहा हूं लाश की शिनाख्त करने। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। रोहिल, प्लीज आप ना जाइएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हो गया सना तुम्हें? मैं शहरयार के साथ जा रहा हूं, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। डरने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हादिया है ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होता। चलो चाचा को कौन मार सकता है? तो इतने अच्छे थे, उन्होंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, उन्हें कौन मार सकता है? मुझे क्या पता, मुझसे तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैंने मारा हो। मैं बस ऐसे ही कह रही थी। रहमे चाचा का कत्ल कौन कर सकता है, और वो भी इतनी बेरहमी के साथ? शायद मैं जानता हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने आपको बताया था ना कि लाहौर में शाह साहब का भी कत्ल हुआ। वो जो सना के पीर साहब है, उसके कत्ल का रहमा चाचा के कत्ल के साथ क्या ताल्लुक है? दोनों के कातिल ने होली पहनी हुई थी। यार यार, ये महज इत्तफाक भी हो सकता है? नहीं भाई, ये इत्तफाक नहीं। जब भी किसी ने भाभी की हकीकत बतानी चाहिए, वो मर गया या उसे मार दिया गया। तो तुम ये कहना चाहते हो कि शाह साहब का और रहमा चाचा का कत्ल सना ने किया? मैं जानता हूं कि भाभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा, क्योंकि सारी कड़ियां उनकी तरफ जाती हैं। शरीर, मैं सना को जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकती, मुझे उस पर पूरा यकीन है। अब भी यकीन है आपको उन पर? इतना झूठ सुनने के बाद अब भी यकीन है? तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं बस चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें। मुझे सिर्फ सना की सलामती चाहिए और कुछ नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं, भाभी को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, करना क्या?
ये सब हो क्या रहा है? रहमत चाचा को भी उसी ने मारा है क्या? वाकई क्या कहना चाह रही? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? तुम नहीं जानती क्या? साफ साफ कहो। बस कर दो, कितना झूठ बोलोगी और कब तक? मैं समझी नहीं। शहरियार और रोहिल तुम्हारी बातों में आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। अच्छा तो तुम कहना चाह रही हो रहमत चाचा को मैंने मारा है? हाँ हो सकता है। जो इंसान अपनों से झूठ बोल सकता है वो अपना सच छुपाने के लिए किसी को कत्ल भी कर सकता है। तुम ना हद से बड़े हो। हद से मैं बड़े हूँ या तुम? लेकिन एक बात याद रखना सना, तुम खुद को बचा नहीं पाओगी। एक ना एक दिन हकीकत सबके सामने आ ही जाएगी और उस दिन तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होगा। तो मुझे धमकी दे रही हो? अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है तो फिर ऐसे ही सही। अब भी वक्त है सना, संभल जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। तुम्हें ये बातें बहुत महंगी पड़ेंगी। खुद पर काबू रखो सना, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। तो मुझे धमकी दोगी? मुझे? तुम कहना क्या चाहती हो? कहूंगी नहीं, अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी सना।